नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड न्यूज नेटवर्क में। तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 3 जून को फैसला सुनाएगा। इस दौरान कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2026 तक लागू रखने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस अवधि में सरकार की ओर से कार्यक्रम पर 13,554.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PMEGP की अवधि बढ़ाने से करीब 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इस योजना में उद्योग लगाने के लिए लोन लेने पर भी सरकार सब्सिडी देती है। तो दोस्तों, आज है 31 मई। तो 1879 में आज ही के दिन जर्मनी के बर्लिन में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन में 2 सीटों वाले 3 खुले डिब्बे लगे हुए थे जिसमें कुल 6 लोग बैठ सकते थे और इस ट्रेन की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आगे आपको बताएं कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक पेबल्स नाम के फावर फॉक्स टेरियर नस्ल के कुत्ते के नाम पर दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित कुत्ते का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक पेबल्स का जन्म 28 मार्च 2000 को हुआ था। अमूमन जो कुत्ते होते हैं, यानी आमतौर पर जो कुत्तों की औसत आयु होती है, वो 10 से 15 साल के बीच होती है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 21 वर्ष के टोबी किथ नाम के चिहुआहुआ नस्ल के कुत्ते के नाम पर दर्ज था। तो ये थी कुछ खास बातें। जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए एनवर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।